अरे सर आइए ना, आप इधर आइए ना। वाह, ये देखिए महान चित्रकार श्री सुभाष जोकर जी की पेंटिंग। शरद, ये इंसान जानकार लगता है, हम इसी के पीछे पीछे रहते हैं। ये जिस पेंटिंग की तारीफ करेगा हम वही पेंटिंग खरीदेंगे ओझा अंकल के लिए। चलो चलो हेमंत शिशिर, तो इस बाजू जाओ। चलो चलो, कहाँ गया वो? सुंदर, अद्भुत, ये पेंटिंग है कि नहीं? हाँ, बिगड़ गया चित्रकार के हाथों से। क्या बिगाड़ा है इसमें? चित्रकार ने इस चित्र में अपनी वेदना व्यक्त की है, अपना दर्द डाल दिया है उसने इस कैनवास पर। ये दर्द? हाँ शरद, समझो ना, मैं समझाता हूँ। देखो इतनी बड़ी पेंटिंग है, ऐसे 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 बनाई होगी ना उसने, ऐसे नीचे झुक के, ऐसे ऊपर, तो ऐसे हाथ में कमर में उसके दर्द हुआ होगा। ये उस दर्द की बात कर रहे हैं, है ना भाई साहब? हाँ, आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं मिस्टर। मैं नहीं समझता, वो मेरी बीवी वर्षा को समझती है मुझे स्मार्ट, और ऐना मुझे स्मार्ट समझती है। बनिए पापा, है? ये देखिए, चल चल पापा, इस पेंटिंग का नाम है बच्चे की चप्पल। अनोखा, अद्भुत, बच्चे के चप्पल। चप्पल क्या है? बच्चा भी तो नहीं है। अच्छा, बच्चा चप्पल पहन के चला गया होगा पेंटिंग में से। पेंटिंग के पीछे ऐसे, चलो चलो ऐसे देख रहे जैसे इनके चप्पल थे। पापा ये पेंटिंग देखिए ना, ये ढंग की तस्वीर है। हाँ पापा, मेरे जूते की लेस ठीक से बंद नहीं हो रही है, आप प्लीज मुझे ये बांध के दीजिए ना। बेटा बाद में, बाद में। ये पेंटिंग देखा। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, हाँ मे आई हेल्प यू? हाँ अंकल, मेरे जूते की लेस बंद नहीं हो रही है, आप प्लीज मुझे बांध के दीजिए ना। ये उसके लिए नहीं पूछ रहे हैं बेटा, ये तो ऐसे ही पूछ रहे ना कि मे आई हेल्प यू, है ना भाई साहब? भाई साहब ये पेंटिंग कितने की है? अरे बहुत ही नायाब पेंटिंग है साहब ये। हाँ, बहुत ही दुर्लभ पेंटिंग है, मंदार दायतोंडे ने बनाई है, इंडियन मोनालिसा कहते हैं इसे। ओह ओके, वो तो ठीक है, लेकिन कितने की है ये? दिख नहीं रहा है। मैं चेक करके बताता हूँ, लेट मी चेक। मैं अभी बताता हूँ। ये पेंटिंग अच्छी है ना? वाकई अच्छी है भैया, बहुत मस्त है। मुझे लग रहा है शरद, इसे फिक्स करते हैं, वो जाकर खुश हो जाएंगे। पापा करीब से देखो तो और अच्छी है। बेटा एक मिनट, बाजू हटो तुम। मन क्या कर रहा? क्या किया तूने गेंडे? भैया वो मैनेजर आ जाएगा, इससे पहले वो आ जाए ये उसके नाक से च्युइंगम निकाल दीजिए। चुप बैठो, चुप भैया जल्दी। हाँ भैया कोई देख लेगा भैया। मैंने पता कर लिया, 55 लाख रुपए की पेंटिंग है ये, बहुत ही शानदार और नायाब पेंटिंग है, लेंगे आप लोग? चलो चलो। क्या सुनिए, एक मिनट वापस आइए आप लोग। क्या है ये, क्या है ये, ये किसने फाड़ी? ये तो वो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किसने फाड़ी, किसने फाड़ी ये पेंटिंग? पापा ने फाड़ी। नहीं, फाड़ी नहीं, वो ऐसे, वो थोड़ा ऐसे
उखड़ गई। उखाड़ी या फाड़ी? मैं पूछता हूँ कि क्यों फाड़ी? पेंटिंग का मटेरियल ऐसे थोड़ा चेक कर रहा था। मटेरियल चेक कर रहे थे आप? अरे आप लोग क्या कपड़े की दुकान पे आए? कपड़े का मटेरियल चेक कर रहे थे आप? 55 लाख रुपए की पेंटिंग थी ये। सिक्योरिटी, कॉल द पुलिस, सिक्योरिटी। नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। एक मिनट भाई साहब, देखिए ये मैंने ऐसे, देखिए बहन जी की ऐसे कटी हुई नाक लग गई। जुकाम कभी नहीं होगा बहन जी को, नाक खुल गई है। ठाकर साहब क्या हुआ? माजी साहब देखिए पेंटिंग की क्या हालत कर दी। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। आप लोग हंस क्या रहे हैं? देखिए माजी, मैं पिताजी की कसम खाता हूँ माजी। माजी नहीं, माजी आधा म और ह पूरा, माजी। अच्छा माजी जी, ये जानबूझ के नहीं हुआ है। वो क्या है ना, वो ऐसे थोड़ा ऐसे जस्ट मतलब ऐसे थोड़ा ऐसा हो गया। लो कहाँ चलो नहीं, वो हमारी कोई गलती नहीं है, ये गलती से हो गया। वो सब बाद में, पहले 55 लाख निकालो। 55 लाख निकालो किसके बालों से? बालों में से। हाँ, इन्होंने कहा ना 55 लाख निकालनी है। अरे वो लीक वो जू के अंडे होते हैं ना, वो बालों में होते हैं ना, ऐसे ऐसे फिर तोड़ते हो मारते हैं वो। 55 लाख बोल रहे बेटा, मतलब रुपए है ना भाई साहब? भाई साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो क्या करूं मैं? देखिए भाई साहब, ये ना थोड़ा ऐसे ऐसे दूर से देखेंगे ना तो पता नहीं चलता कि बहन जी की नाक कटी हुई है। अरे पता नहीं चलता। आई आप देखिए, साफ दिखता है। तो लाइट बंद कर दीजिए, फिर कुछ भी नहीं दिखेगा। माजी सर ये क्या कर रहे हैं आप? माजी नहीं आधा म और पूरा ह, माजी। शट अप। ओह माय गॉड, ठाकर साहब ये इंडियन मोनालिसा के पीछे तो खजाना छुपा हुआ है। माय गॉड, आपको पता है आपकी एक गलती की वजह से हमें सालों पुरानी तैयब शाह लाकड़ा वाला की करोड़ों रुपए की खोई हुई पेंटिंग फिर से मिल गई है, और इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यू सेट अप थोड़ा ये। और आप लोगों की इस खूबसूरत गलती के बदले हम लोग एक गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। अच्छा ये रहा। ये क्या है? ये तो ट्रे है बेटा। टेबल मैट है भैया। चाचा ये पेंटिंग है, पूरे 70,000 की है ये पेंटिंग, और इस पेंटिंग का नाम है नंदिता का नाच गाना। इसमें नाच गाना तो नहीं है। नंदिता भी नहीं है। अच्छा शरद, ऐसा होगा वो नंदिता नाच के थक गई होगी और ऐसे पीछे कहीं जाके सो गई होगी, है ना? भाजी? कुछ भी, चलो। थैंक यू, बाय बाय। Thank you. You shut up. बैठ जाओ।
हेमंत उठ जा बेटा, उठ जा उठ जा। तो हमारी तरफ से सोने की अनमोल चीज पाने के लिए आप लोग अपने अपने तोहफे लेकर आए हो ना? हाँ हाँ, मुरली भाई ये देखिए लेडीज फर्स्ट। फिर तो आप रहने दीजिए भावना भाभी। क्यों बा? आप जेंट्स हैं? पापा आप इस तरह भावना काकी का मजाक उड़ाएंगे ना तो? अरे रहने दे मानव, तेरे पापा और मेरे बीच में ये सब चलता है, हम दोनों तो सगी बहने जैसे है। हाँ भी बोल रहे देख। एक मिनट एक मिनट एक मिनट अंकल हो जा इधर आ, पहले हमारा गिफ्ट देखिए मैन। बड़ा है ये है? अरे खोल के देखो मैन। लकड़ी का टुकड़ा होगा। ये क्या है? शॉल? चार मिनट अंकल हो जा, ये कोई ऐसा वैसा शॉल नहीं है, ये वो फेमस एक्ट्रेस बाप वो है वो बाप बोले। डोंट स्विच ऑन द फैन को हिंदी में कैसे बोलेंगे? पंखा मत ऑन कर। हाँ ये वो फेमस एक्ट्रेस उर्मिला मत ऑन कर का शॉल है। अरे ओबारा उर्मिला मातोंडकर मत ऑन कर। ये शॉल उर्मिला ने ओढ़ी थी? हाँ बहुत अच्छा शॉल है, उसने वो शॉल फिल्म में यूज किया था। दरअसल अंकल ओझा उस फिल्म में जो भूतिया हवेली का वॉचमैन था ना, जिसने वो लालटेन पकड़ी थी, उसने ओढ़ा था ये शॉल। है ना रॉनी भैया? बोलना जरूरी था। मुरली भाई ए देखिए, ए मेरा गिफ्ट देखिए, सोने के बिस्किट से भी ज्यादा अनमोल है। सोने के बिस्किट से? मतलब चांदी के बिस्किट से। चांदी के? अच्छा ना आपका ना मेरा, क्रीम वाले बिस्किट से तो ज्यादा ही अनमोल है। खोल के देखिए ना। अरे वाह घड़ी, इसमें टाइम भी दिखता है काका मुरली। राकेट था और वाटरप्रूफ भी है। आप इसे पहन के स्विमिंग पूल में कूदना। मारे को तैरना नहीं आता है, मैं डूब जाऊंगा। हाँ तो डूबने में कितना टाइम लगता है इसमें देख के पता चल जाएगा। अब डूबते डूबते देखना इसे। लो ये गुजराती बहुरानी मारे को जन्मदिन पे डुबाने चली है। काम करो बैठ। एक मिनट मुरली भाई ये लीजिए, ये मेरी तरफ से हिंदुस्तान रत्न का मेडल है, युगांडा के राष्ट्रपति के हाथों से मिला था मुझे। हिंदुस्तान रत्न का मेडल इसको मिला था? वो भी युगांडा के राष्ट्रपति के हाथों? ना ना उसके बॉडीगार्ड के हाथों। उसके बॉडीगार्ड ने हिलाड़ी को देखा और ऐसे छुट्टा घा करके मारा इसके सर पे मेडल। सोने का है? ओ काका मुरली, दूध पाउडर का डिब्बा होता है ना उसके ढक्कन से बना है, पत्रे का है पत्रे का। ओ घोटाला, ओ घोटाला ये गिनमिन गिनमिन कर रहे हो, केल आए हो? हमें पता है कि आपको पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है। कौन बोला? अरे वाह बड़ा है भारी भी। खोलता लो, ये संभाल के रख दो अच्छे से। ये पेंटिंग मालती प्रकाश है। मालती प्रकाश है? मालती प्रकाश नहीं होता बेटा, मल्टी पर्पस। मालती प्रकाश तो वो हमने वो सोसाइटी वाली वो भूतनी अकड़ू डायन, वो मल्टी प्रकाश। अच्छा वो तो भावना भाभी है। मैं स्वभाव से डायन अकड़ू भूतनी होने की बात कर रहा हूं, स्वभाव से शक्ल से नहीं। ओ, श्री श्री घोटाला मेरी सुंदर बा शक्ल और सूरत से डायन भूतनी है? बिल्कुल नहीं। तो मेरी बा की रावण जैसी बड़ी बड़ी भयानक आंखें तो क्या हुआ? कुंभकर्ण जैसी भारी भरकम आवाज है तो क्या हुआ? यही
बाकी थी। चकुड़ी चुप रहने बेन, ज्यादा कचरा कर रही चुप रहे। और मिस्टर घोटाला, मल्टीपर्पज तो मिक्सर ग्राइंडर होता है, स्विस नाइफ होती है, पेंटिंग मल्टीपर्पज। हाँ, वो लॉजिकली से हर तरह से देख सकते हैं ना। एक मिनट, एक लाइट और भी है। देख, दिखाता हूँ। अभी ये जो पेंटिंग है वो ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ऐसे सीधे भी देख सकते हो। यहाँ घर पे मेहमान हो आपके, तो इस पे ऐसे चाय कॉफी नाश्ता रख के आप और लाजवंटी से पकड़ के सर्व कर सकते हो बतौर ट्रे। और कभी कभी ऐसे दीवार पे भी टांग सकते हो। हाँ। तो ये है मल्टीपर्पस। क्या सोचने लगे? ये हुआ ना सबसे अव्वल दर्जे का तोहफा। ये अव्वल दर्जे का गिफ्ट है, घोटाला को सोने का प्राइस देगा। हाँ भी बोल रहे हैं, पेंटिंग की बहुत जरूरत थी ओझा अंकल को, है ना? मैं बताता हूं, ये लीकेज का धब्बा देखो। हमारे को यहाँ पेंटिंग कराने की बहुत जरूरत थी, मुफ्त में मिलती तो नहीं तो। तो अब ये मल्टीपर्पज पेंटिंग मैं इस धब्बे पर लगा दूंगा। चुप गया धब्बा। घोटाला, सोने की अनमोल चीज अब थारी। राजस्थान एक्सप्रेस इतना सारा सोना कि घोटाला को देंगे? अरे बाप, ये मानो ये हटा हटा ये सब रख ले। हाँ, ये गंदी सी सौ। भारी था सोने की चीज। थमो, वन टू एंड थ्री। ये तो तकिए हैं। हाँ तो सर के नीचे रख के सोने की चीज ही तो है। और ये देखो कंपनी का नाम अनमोल। लो घोटाला, बाय बाय। एक मिनट, क्या बाय बाय? ये भद्रेश, ये आदमी को देख मैं, सोने का चीज बोल के सब अच्छा अच्छा गिफ्ट ले लिया और अभी बाय बाय। इसने हमको उल्लू बनाया, इसको तो आज लूट के ही रहेंगे। के 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 लूटो। हाँ हाँ, पापा की जेब में 5,000 रुपए हैं। घर का बेटी लंका ढाए, अपनों सिक्को ही खोटो निकले हो, धोखे बाज गद्दार खून। श्री श्री घोटाला वाला, आज इनके बर्थडे भी इन्हीं को लूटो। देखो मारी बात मानो, मैं तो गरीब मारवाड़ी हूँ। ए लंबे घोटाले, पकड़ इनको, पकड़। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।